बिलासपुर की गोलबाजार थाना पुलिस ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित यादव सब्जी बेचने गए प्रार्थी जितेंद्र कुमार को दाई कोला भवन के पास रोककर जान से मारने की धमकी देते हुए जेब से 5,000 रुपए व घड़ी लूटकर फरार हो गया था। नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत नक्सली कुमारी हेमला ने बुधवार को कांकेर जिले के अंतर्गत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हेमला के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि महिला नक्सली पिछले कई साल से इलाके में सक्रिय थी। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवारी बाजार बीरगांव के पास चोरी के मोबाइल को बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे एक लड़के को पकड़कर उसके पास से 75,000 रुपए कीमत के 5 मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ पर उसने चोरी और छीना झपटी करना कबूल किया है। जसपुर जिले में कुनकुरी न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मंगलवार को जिला जेल जसपुर से 7 विचाराधीन बंदियों को कुनकुरी अपर सत्र न्यायालय व व्यवहार न्यायालय लाया गया था। शाम को पेशी कराने के बाद न्यायालय बंदी गृह के सभी मुलजिमों को हथकड़ी लगाकर वापस जसपुर जेल ले जाने के लिए कोर्ट परिसर में खड़ी शासकीय जेल वाहन में बैठाने ले जाया गया। इसी दौरान आरोपी खेल साय ने हाथ में लगे हथकड़ी को छुड़ाकर कोर्ट के पिछले हिस्से की ओर दौड़ लगाकर फरार हो गया। रायगढ़ जिले के पूंजीपत्र थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पूंजीपत्र तमनार चौक पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक टेलर व 10 चक्का ट्रक को रोककर उनकी जांच की गई। कोयला लोड दोनों वाहनों में माल से संबंधित कागजात नहीं होने से दोनों वाहन के चालकों राजेश कुमार पटेल व जोगेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर 3,10,000 रुपए कीमत का लगभग 64 टन कोयला को वाहन सहित जब्त कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने वाले आरोपी परस प्रजापति को बैकुंठपुर जिले की जनकपुर थाना पुलिस ने मुंबई से 8 महीने बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग को मुंबई से ही बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया था। अंबिकापुर शहर के मनेन्द्रगढ़ रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। घटना के बारे में बुधवार को सुबह उस समय पता चला जब मॉर्निंग वॉक में निकले लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर से धुआं निकलता देखा। रेस्टोरेंट का शटर खुला तो आग जलती मिली। गनीमत यह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और आधे घंटे के भीतर आग पर नियंत्रण पा लिया। सरगुजा जिले के जयनगर से तेज रफ्तार से विश्रामपुर की तरफ से जा रही कार के चालक ने विश्रामपुर से अंबिकापुर आ रही जीप को टक्कर मार दी, जिससे जीप में सवार स्वामी आत्मानंद स्कूल की 5 महिलाएं और 2 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं टक्कर से कार सवार को भी काफी चोटें आई हैं। टक्कर के बाद हाईवे पर जाम लग गया। बालोद धमतरी मुख्य मार्ग ग्राम करी भदर स्थित पेट्रोल पंप मोड़ के पास विपरीत दिशा से गन्ना भरकर खड़े ट्रैक्टर से धमतरी से ग्राम मलीघोरी लौट रहे बाइक सवार तमेश्वर उर्फ गोलू और विनायक टकरा गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। शेयर मार्केट में रकम लगाने का झांसा देकर 4,30,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को बसंतपुर थाना पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राजनांदगांव के हेमू कलानी नगर में रहने वाले संदीप लालवानी को फोन कर शेयर मार्केट के स्कीम की जानकारी दी। इसके बाद उसे झांसे में लेकर अलग अलग खातों में 4,30,000 रुपए का ट्रांजेक्शन लेकर ठगी कर ली। राजनांदगांव जिले में सोने चांदी को चमकाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली थाने में बुधवार को पीड़ित महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोने चांदी के जेवर चमकाने के नाम पर उनका नेकलेस और टॉप्स लेकर 2 आरोपी फरार हो गए। दोनों गहनों की कीमत करीब 70,000 रुपए है। बालोद जिले में एक सब इंजीनियर की लाश नाले में मिली है।
उसकी बाइक पुल के ऊपर खड़ी थी। वह ड्यूटी करके घर जाने निकला था मगर घर पहुंचा ही नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि पहले उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। बीजापुर जिले के बुर्जी में पुलिस कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीणों की जवानों ने बेरहमी से पिटाई की है। देर रात अचानक पहुंचे जवानों ने ग्रामीणों का तंबू उखाड़ फेंका। इस कार्रवाई का विरोध किया तो आंदोलनरत ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीण घायल भी हुए हैं। बैकुंठपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुख्यालय के खाद और किराना दुकान में छापेमारी कर एक्सपायरी डेट वाला सामान जब्त किया है। डेढ़ साल पहले लॉकडाउन में जिस दुकान से 5 लाख रुपए से अधिक का एक्सपायरी डेट सामान पकड़ा गया था, वहीं फिर एक बार गड़बड़ी मिली है। जांच के दौरान टीम ने सिटी सुपर बाजार में गुड़ पर पेंट लगे होने से बेसन समेत अन्य सामान में गड़बड़ी की संभावना पर सैंपल लिए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क निर्माण में देरी और धूल से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को चराई डांड बगीचा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सड़क के किनारे बसे गांव के ग्रामीण पिछले 4 साल से धूल से परेशान थे। गांव के हर एक घर व पेड़ पौधे पर धूल की मोटी परत जम गई है। दुर्ग जिले के धमदा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। कोई अज्ञात वाहन विवेकानंद नगर बोर्सी रोड दुर्ग निवासी धर्मेंद्र बघेल नामक युवक को रौंदता हुआ चला गया। इससे उसका सर बुरी तरह कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। नकबजन गिरोह से चोरी की सोने चांदी के जेवर खरीदने वाले आरोपी गौरव जैन को रायपुर के विधानसभा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी के कब्जे से सोने की चैन, एक नग कंगन, सोने की अंगूठी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए जब्त की गई है। गरियाबंद जिले के आबकारी अधिकारी प्रभाकर शर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने राजिम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परेठी कोना में प्यारी नदी के किनारे दबिश देकर 6 भट्टी महुआ शराब निर्माण सामग्री, 7 गैलन एक बड़े ड्रम से भरी हुई 120 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब, 32 बोरी में भरा हुआ 1600 किलोग्राम लाहन बरामद किया है। खड़े टेलर से बैटरी चोरी के मामले में खड़गवां पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम मसीरा निवासी सुबह चंद सिंह कोयला लेने के लिए जगन्नाथपुर खदान में टेलर लेकर आया था। रात्रि में वाहन को वहीं खड़ा कर सो गया। सुबह उठकर टेलर वाहन चालू नहीं हुआ, फिर उसने देखा कि वाहन में बैटरी नहीं है। रात्रि में कोई अज्ञात चोर बैटरी चोरी कर ले गए। महासमुंद जिले के कोमाखाना थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम बागबारा हाईवे रोड पर सुअर मार्ग के पास 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।